आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नॉन एग्री कमोडिटीज में आज सोने और चांदी में एक अच्छी बढ़त के साथ शुरुआत होते हुए देखने को मिली है। विदेशी बाजारों में जहां सोने और चांदी में आज चमक देखने को मिली, तो वहीं घरेलू बाजारों में भी सोना अपनी चमक बिखेरता नजर आया है। दरअसल घरेलू बाजारों में भी सोना 51,000 के पार पहुंच चुका है, वहीं चांदी भी 58,000 के पार आज कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। सोने और चांदी में ना केवल विदेशी बाजारों में खरीदारी देखने को मिली है, बल्कि घरेलू बाजारों में भी इन्वेस्टर्स का रुझान एक बार फिर से सोने की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका असर बाजारों पर आता हुआ नजर आ रहा है। यूएस के बाद अब भारत में भी उम्मीद की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। ऐसे में लोगों का निवेश की प्रति रुझान जो है वो सोने की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से सोना 52,000 की चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सोने और चांदी में अब एक बार फिर से खरीदारी हावी होती हुई नजर आ सकती है। आज इंट्राडे की अगर बात की जाए तो आज इंट्राडे में सोना चांदी एक अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन चांदी 58,500 से लेकर 58,600 तक ऊपर में जा सकती है। वहीं अगर सोने की बात करें तो सोना भी 51,400 से लेकर 51,500 तक की एक अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सोने और चांदी में खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं अगर बात कच्चे तेल की जाए तो कच्चे तेल में आज ऊपरी स्तरों से जो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी वो अब कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दी है। विदेशी बाजारों में कच्चा तेल $98 के पास कारोबार करता दिखाई दे रहा है, जबकि घरेलू बाजारों में अभी भी हल्के लाल निशान के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। 1700 रुपए के नीचे फिलहाल कच्चा तेल ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की आज इंट्राडे की जो रेंज है वो 7640 से लेकर ऊपर में 1760 तक बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर विदेशी बाजारों की बात की जाए तो विदेशी बाजारों में कच्चा तेल अगर $100 के पार निकल जाता है तो एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल $96 के आसपास कच्चे तेल में कारोबार देखने को मिल रहा है। आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से कच्चा तेल $98 से लेकर $100 का लेवल छूता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर बात बेस मेटल्स की जाए तो बेस मेटल्स में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली अब कम होती हुई दिखाई दी है, लेकिन अभी भी बाजार हल्के लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां कॉपर में गिरावट है तो वहां जिंक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। 270 के आसपास जो जिंक कारोबार करती दिखाई दे रही थी अब 285 के पार पहुंच चुकी है। जिंक के साथ साथ एल्यूमिनियम आज गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल जिंक में तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है। आज 288 तक जिंक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। नीचे में 638 तो ऊपर में 648 तक की रेंज आज इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसे में कॉपर में थोड़ा सा वेट करना चाहिए खरीदारी के लिए। डिप पर 638 के आसपास बाइंग किया जा सकता है, जबकि जिंक में माना जा रहा है कि एक तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है और जिंक जल्द ही 288 से 290 के स्तर छू सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करें और ओवरऑल इंट्राडे में आज स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज सोने चांदी में खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। सोने और चांदी में आज निचले स्तरों पर बाइंग करके चला जा सकता है। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।